तो वही अजमेर के केकड़ी से खबर है, जहां पर शहर में बरसों से दीपावली पर पटाखे फेंके जाने का खेल अब परंपरा का यहां पर रूप ले चुका है। आपको बता दें कि ये बदरंग परंपरा जो है वो समाज की जड़ में इस कदर रम चुका है कि प्रशासन भी अब बेबस नजर आने लगी है। सरकार द्वारा पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद केकड़ी में लोग खुलेआम एक दूसरे पर पटाखे फेंकते हैं और व्यापारियों ने भी अवैध पटाखों का यहाँ पर बड़ी मात्रा में भंडारण करके लोगों से मुंह मांगी कीमत वसूल कर लाखों रुपए यहां पर कमाए हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस दौरान 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बालमुकुंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। बालमुकुंद, तस्वीरें यहां पर सामने आई हैं जिसमें लोग जो है एक दूसरे पर पटाखा फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो यहां पर पूरी तरीके से बेबस नजर आ रही है। कोई कार्रवाई इस परंपरा को देखते हुए नहीं कर पा रही है पुलिस, उनमें दिक्कत हो रही है, पुलिस के लिए चुनौती बड़ी बनती नजर आ रही है। जी अंकुर, केकड़ी में ये पटाखा युद्ध एक परंपरा का रूप ले चुका है और प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग इसमें झुलसते हैं। कल 2 दिन यहाँ पटाखा युद्ध चला, उसमें तकरीबन 100 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। पुलिसकर्मी, 2 पुलिसकर्मी भी झुलसे हैं। 2 या 3 लोगों की हालत इतनी नाजुक है कि वो जिंदगी और मौत से सवाई मानसिक चिकित्सालय जयपुर में जूझ रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस ऐसे समाज कंटकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है, पुलिस उनके सामने बेबस नजर आ रही है। रात को जब पुलिस ने दौरा किया था तो उसमें लोगों ने पुलिस के ऊपर पटाखे फेंके, पुलिस के वाहनों पर पटाखे फेंके, जिसके चलते पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। पूरी रात पुलिस ऐसा ही नजर आई और पुरानी परंपरा जो वर्षों से चली आ रही है वो आज भी बदस्तूर जारी है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, लेकिन ऐसी परंपराओं को बदलना यहाँ पर बहुत जरूरी है, ऐसी परंपराओं पर रोक लगना यहाँ पर जरूरी है। हालांकि पुलिस को भी इस पूरे मामले में सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी ना किसी की जिंदगी के साथ है इस तरीके का खिलवाड़ है। चलिए बालमुकुंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं और अब बात भाई दूज के त्योहार की। तो आपको बता दें कि आज देश भर में भाई दूज का यह पर्व मनाया जा रहा है। आज भाई बहन के प्रेम का उत्सव है, बाजारों में भी इसको लेकर रौनक देखने को मिल रही है, तैयारियां यहां पर की जा रही है और आज सैकड़ों वाहनों की डिलीवरी भी होनी है। बड़ी संख्या में स्कूटी और चौपहिया वाहन आज डिलीवर होंगे। गारमेंट सेक्टर में भी आज आपको बता दें कि खरीदारी की जो है वो परवान पर रहने वाली है। भाई दूज के साथ ही दीपोत्सव का आज समापन होगा और आज से बाजारों में रोशनी का भी समापन होगा। तो आज भाई दूज का ये त्योहार देश भर में मनाया जा रहा है। भाई और बहन के प्यार और स्नेह का ये त्योहार है और आज के दिन जो बहनें हैं वो अपने भाई को तिलक लगाकर आरती उतारकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं।